on page 8 will do traditional method of irrigation. The water available in well, lake and canal is lifted by different method, different region for taking to the field. Traditional method मतलब क्या? देखो ये 4 types of traditional known method है जो हमने generally देखा है villages में. मेन मेथड इज वेल में से पानी निकालो. ये जो हर एक फील्ड होती है ना उसके बाजू में ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड वो लोग यूज करते थे वाटरिंग द क्रॉप्स के लिए. लेकिन इसमें क्या होता था कि वाटर बहुत वेस्ट होता था और टाइम बहुत ही कंज्यूम होता था फार्मर का. तो बट देन पहले के ज़माने में उनको इतना नहीं पता था तो वो लोग यही मेथड यूज करते थे. नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड: मोट, चेन पंप, ठेकली एंड राहत. नाउ व्हाट इज मोट? मोट क्या होता है? ये जो पुली होती है ना उसको ये रोप से टाई किया होता है. ये एक पॉट जैसा होता है जो फार्मर वेल में से पानी निकालता है और पानी वो फील्ड इस तरह डालता है ताकि पानी पूरा फील्ड में जा सके. लेकिन इसमें पानी का वेस्टेज बहुत होता था. नाउ सी व्हाट इज मोट. इन द मोट सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल बाय यूजिंग अ बिग कंटेनर टाइड टू अ लॉन्ग रोप विच मूव्स ओवर अ पुली फिक्स फ्रॉम वन एज, जैसे कि मैंने आपको बताया. नाउ सेकेंड मेथड इज वॉट? चेन पम्प. चेन पम्प, वॉट इज चेन पम्प? चेन पम्प इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ वाटर लाइक अ स्ट्रीम, पॉन्ड और लेक विच इज एट लोअर लेवल देन द फील्ड. अभी चेन पम्प में क्या होता है कि फील्ड से थोड़ा उसका लोअर लेवल होता है ताकि ये जो चेन पम्प है ना वो पाइप यहाँ पे लगा हुआ होता है, मोटर होती है, ये बकेट में पानी आता है, इसमें फिल होके फिर फील्ड में जाता है. दिस इज कॉल्ड चेन पम्प. नाउ थर्ड मेथड इज वॉट? थेकली. सी वेर इज थेकली? दिस यू कैन सी थेकली. इसमें क्या होता है कि एक ऐसा रॉड जैसा होता है, इसमें ब्रांच ऑफ ट्री जैसा लिया है, बकेट है, इसकी हेल्प यहाँ वेट होता है, ये वेट ऊंचा ऊपर करेंगे तो ये बकेट नीचे जाएगी, पानी आएगा, बकेट जैसे भरी हुई होगी तो फार्मर विल टेक वाटर फ्रॉम द बकेट एंड इट ही विल गिव टू द फील्ड. नाउ इट इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम शेलो वेल्स. शेलो वेल्स मतलब शेलो मतलब जो ज्यादा डीप नहीं है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लीवर. सिंपल लीवर जैसे कि ये एक रॉड जैसा लिया तो दैट इज अ सिंपल लीवर. इसमें क्या है, यहाँ पे वेट है, ये जैसे वेट कम करेंगे तो ये बकेट नीचे जाएगी, उसमें से पानी आएगा, फिर बकेट में अगर वेट है तो ये ऊपर आएगा. ओके, नाउ फोर्थ वन इज इट इज मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ बकेट अटैच टू अ व्हील विच इज देन मूव्ड और बाय अनदर व्हील यूजिंग ह्यूमन और एनिमल पावर. मतलब ये देखो, यू कैन सी ये चेन ऑफ बकेट है, ये बुलक है, वो जैसे रोटेट करेगी यहाँ पे नीचे पाइपलाइन जैसा होता है तो ये व्हील्स में ये जो बकेट है जैसे जैसे नीचे जाएगा, जो बकेट नीचे जाएगी वो पानी फिल करके फील्ड में स्प्रिंकल करता जाएगा. तो दिस इज अ राहत सिस्टम. ओके, सो दीज आर द 4 मेन नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम पहले के ज़माने में वो लोग यूज करते थे. नाउ पम्प्स आर कॉमन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डाइज, बायोगैस, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज टू रन द पम्प्स. मतलब जैसे कि हम लोग मोटर होता है ना, मोटर की हेल्प से भी पानी सप्लाई होता है, जैसे हमारी सोसाइटी में मोटर की हेल्प से पानी ऑल ओवर बिल्डिंग में सप्लाई होता है.